अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल बी कवरिंग मेटल्स एंड द एक्सट्रैक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डेफिनेशन बेसिकली लिखनी है। सबसे पहले वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली ये होता है कि जब मेटल्स जो हैं किसी और एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन या रेशियो नहीं होता, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, मेटल के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। सेकेंड इज ओर। ये ज़्यादातर ज़मीन के साथ जो सिलिकॉन होता है या ऑक्सीजन होता है उसके साथ जो है ये रिएक्ट करता है मेटल्स, तो उस मेटल को फिर हम लोग, उस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को फिर हम लोग ओर्स कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली होता है ओर्स में से मेटल्स को प्योर फॉर्म में लेकर आना, वो पूरा प्रोसेस आपका मेटलर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस और प्रिपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द मेटलर्जी ऑफ मेटल्स फॉर द ओर्स। डिस्कस ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर एंड रोस्टिंग ऑफ द कंसेंट्रेटेड ओर। ओर्स में से मेटल्स को प्योर फॉर्म में लेके आने के लिए जो स्टेप्स मौजूद हैं उसके हमें नेम्स लिखने हैं, एंड देन उसमें जो स्टेप कंसेंट्रेशन का है एंड रोस्टिंग का है, उन दोनों स्टेप को हमें डिस्कस या डिफाइन करना है बेसिकली। सबसे पहले मेटलर्जी। मेटलर्जी अगेन मेटल को जो ओर्स फॉर्म में मौजूद होते हैं उसको प्योरीफाई करना ताकि हमें मेटल्स एक प्योर फॉर्म में मिल सके, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स मौजूद हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ओर्स होता है उसको वाटर के साथ या ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, तो उसमें से हमें फ्रॉथ वॉश हो जाता है उसमें से, यानी थोड़ा सा जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, अलग हो जाती है। सेकेंड स्टेप है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं। आग के इस्तेमाल में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कार्बन का इस्तेमाल करते हैं यानी कोक की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से जो मॉइस्चर होता है, गीला होता है, वाटर होता है, उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो सल्फर और आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, और फिर जो FeO मौजूद होता है उसको रस में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन ओर्स को पोरस बनाते हैं यानी उसके अंदर होल्स डालते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो आसानी से हो सके। क्वेश्चन नंबर 4C, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब ये तीन मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, तो उनको हम, तो हमें क्या मिलता है वो बेसिकली हमें बताना है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वी फाइंड हाइड्रोजन गैस एंड ZnCl2 मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें जिंक सल्फेट मिलता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर। मैग्नीशियम के साथ हमें, जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है विद हाइड्रोजन गैस, एंड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है विद हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें AlCl3 मिलता है विद हाइड्रोजन गैस, एंड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को Al2SO4 विद हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमें शो करना था। गिव रिएक्शंस विद वाटर, यानी वाटर से रिएक्ट करता है PCl3 तो हमें H3PO3 मिलता है अलॉन्ग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम CaH2 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो उसमें हमें एज अ गैस के फॉर्म में उड़ जाता है वो। NH3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NH4OH। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द चीफ ओर्स ऑफ आयरन, हाउ इज आयरन ऑब्टेन्ड बाय ब्लास्ट फर्नेस। आयरन के कौन कौन से ओर्स होते हैं और ब्लास्ट फर्नेस से हमें किस तरीके से आयरन मिलता है वो बताना है। जो आयरन की मिलावट वाले फॉर्म्स होते हैं वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, साइड्राइट, लिमोनाइट। ये पांच फॉर्म्स है ओर्स ऑफ आयरन के। और जो आयरन को साफ करने के लिए हमें स्टेप्स चाहिए होते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग ऑफ ओर एंड स्मेल्टिंग ऑफ ओर। क्वेश्चन नंबर 5B, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन को तैयार, जो बना हुआ होता है, जो प्योरीफाई कर रहे होते हैं हम लोग आयरन को, तो उसमें हम लोगों को आयरन 94-96% मौजूद होता है, कार्बन 3.5-4% मौजूद होता है, सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ सिलिका मौजूद होता है 1.2%, सल्फर इज बिटवीन 0.05 एंड 0.1%,
Phosphorus is approximately same, 0.05 to 1.5%. Manganese is 0.05 to 1.0%. Differentiate between wrought iron and steel. दोनों के बीच में difference बताना है. Wrought iron basically iron का purest form होता है. ये malleable होता है, यानी इसकी shape तब्दील किया जा सकता है, और ये soft होता है, लेकिन इसको आसानी से जंग लग सकता है. Steel basically iron को जो है हम दूसरे metal के साथ जब mixture तैयार करते हैं, उसका chemically नहीं physically जब mixture तैयार करते हैं, तो फिर वो एक alloy तैयार होता है. उसमें से एक alloy की example steel है. ये बहुत hard होता है, brittle होता है, और इसमें जंग बहुत कम लगता है, ये मुश्किल से लगता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज रस्टिंग, हाउ इज रस्टिंग कंट्रोल्ड. के अंदर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. यूजुअली मेटल जो कंसिडर किया जा रहा है वो आयरन किया जा रहा है. आयरन जब मेटल जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके जो प्रोसेस होता है उसके वजह से रस्ट पैदा होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड पैदा होता है. तो उसको कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि हम लोग एक तो पहली बात जो है उसके ऊपर मेटालिक कोटिंग कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू किया जा सकता है. एलोइंग ऑफ मेटल्स, यानी आयरन को किसी और मेटल के साथ हम लोग फिजिकली मिक्स तैयार कर सकते हैं, एंड या तो उसको कोटिंग कर सकते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल के साथ, यानी कि पेंट लगा सकते हैं, ऑयल पेंट वगैरह, उससे भी जो है रस्टिंग कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जंग को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जंग ना लगने के तरीकेकार हैं ये. नेक्स्ट वी हैव इज बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बिगिंस ore must be purified and concentrated. Mention two different processes by which it is done. Basically, हमें concentration के दो process समझाने हैं कि concentration किस तरह से किया जा सकता है ore का. Ore के ये दो process होते हैं. एक होता है froth flotation process और एक होता है magnetic separator. Froth flotation process में क्या होता है कि iron को crush करके powder form में लाया जाता है, and then उसको water and fine oil के साथ मिक्स कर दिया जाता है. फिर उसमें से हवा को, एयर को ब्लो करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो एक फ्रॉथ की शक्ल में सल्फाइड ओर के साथ वो बह जाता है, वो निकल जाता है वहाँ से, और फिर जो गैंगी पार्टिकल्स होते हैं ओर के वो नीचे बैठ जाते हैं. जो सल्फाइड ओर होता है फिर उसके ऊपर क्योंकि ऑयल का लेयर होता है वो फ्रॉथ के साथ बह जाता है, तो उसको सुखाया जाता है और जो गैंगी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं. मैग्नेटिक सेपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि ओर को हम लोग क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं और फिर कन्वेयर बेल्ट में उसको फैला देते हैं. फिर उसके ऊपर से दो रोलर गुजारते हैं. एक रोलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, दूसरा रोलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता. यानी बेसिकली एक क्या करता है कि जो मेटल होता है वो उस मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक जाता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो मेटलिक नहीं होता वो नॉन मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक जाता है. इस तरीके से हम आसानी से दो सेपरेट हीप्स हमारे बन जाते हैं, एक प्योर मेटल का या ऑलमोस्ट प्योर मेटल का और एक इम्प्योरिटी का. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई डस मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ्टन प्रोड्यूस स्लैग. अब मेटल एक्सट्रैक्शन के वक्त क्या होता है कि जो हमारे जो हमें मेटल्स चाहिए होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, आयरन, कॉपर, लीड, निकल और बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, ये ज़्यादातर जो है सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हुए हुए होते हैं. इनकी जो इम्प्योर स्टेट होता है और जो होता है वो ज़्यादातर सिलिकेट के साथ बने हुए होते हैं. इसलिए उनको अलग करने के लिए उनका हाई टेम्परेचर में रखना पड़ता है, यानी उसको गर्म करना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, और फिर जो स्लैग होता है वो उसको सेपरेट किया जाता है. यानी बेसिकली क्योंकि सिलिकेट को हीट करने के लिए, उसको मेल्टेड फॉर्म में लेके आने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए अक्सर जो है स्लैग तैयार होता है ड्यूरिंग मेटल एक्सट्रैक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7A, डिफरेंट ओर्स बताने हैं हमें कॉपर के. सो कॉपर पाइराइट हमारे पास है, कुपराइट है, चालकोसाइट है, मेलाकाइट है, एजुराइट है, बोर्नाइट है एंड कॉपर ग्लैंड्स. अब कुछ बुक के एडिशन में आप लोगों को बोर्नाइट मिलेगा, एंड कुछ बुक के एडिशन में आपको बोर्नाइट की जगह पे कॉपर ग्लैंस मिलेगा, इसलिए दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं. नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि जो कॉपर ओर होता है उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से कंसनट्रेट फॉर्म में लाया जाता है. तो वही सेम तरीकाकार है कि कॉपर ओर को पहले हम लोग क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, वाटर एंड ऑयल के साथ उसको मिक्स करते हैं, हवा ब्लो करते हैं, हवा की वजह से ऑयल जो होता है वो फ्रॉथ की शक्ल में सल्फाइड ओर के साथ भेज जाता है और ऊपर आ जाता है वो, और जो गैंगी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है. इस तरीके से जो ऑयल होता है वो सल्फाइड ओर के साथ उसको अलग कर दिया जाता है, स्किम ऑफ कर दिया जाता है, एंड देन गैंगी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, यानी गंदगी होती है या इम्प्योरिटीज होती है वो उनको अलग कर दिया जाता है. उसके बाद ब्लिस्टर आयरन को, सॉरी ब्लिस्टर कॉपर को तैयार करने के लिए, हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके का, कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन के वाटर या पाइन ऑयल के साथ या
कोई और ऑयल के साथ उसको जो है उसके पाउडर को मिक्स कर जाता है, फिर उसको बहुत तेज़ ज़्यादा हीट किया जाता है फर्नेस के अंदर। फर्नेस के अंदर हीट करने के बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर स्लैग यानी कि आयरन सिलिकेट तैयार होता है। उसके बाद बेसमर कन्वर्टर में डाला जाता है, तेज़ बहुत ही ज़्यादा हॉट एयर के साथ उसमें ब्लो किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो सिलिका है वो अलग किया जा सके। एंड देन हमें इस दौरान कॉपर ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिल रहा होता है, और फिर इनको सैंड के शक्ल में, सैंड से बनाए हुए मोल्ड्स के थ्रू जो है वो उनमें पोर किया जाता है, और फिर जो हमें मोल्ड्स मिल रहे होते हैं मोल्टन कॉपर के, उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के कहते हैं। और फिर कभी कभी हम लोगों को इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर, क्योंकि वो आयरन जिंक प्लम्बम एंड सिल्वर एंड गोल्ड की इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, तो उसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी अलग प्योर, ज़्यादा प्योर फॉर्म में लेके आया सकता है। यहाँ पे दोबारा वही किया जा रहा है कि ब्लिस्टर कॉपर को ज़्यादा प्योर करने के लिए क्या स्टेप है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर जो हमें मिल रहा होता है उसके अंदर क्योंकि जो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही अलग किए जा सकते हैं, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि जो ब्लिस्टर कॉपर है वो प्योर कॉपर बन सके। नेक्स्ट वी हैव इस एल्यूमिनियम के डिफरेंट ओर्स कौन से हैं और वो अर्थ की क्रस्ट में कितने मिकदार मौजूद है। अर्थ की क्रस्ट में हमें एल्यूमिनियम जो है वो 7.6% मिलता है, और इसकी जो ओर्स हैं वो कैओलिन है, पोटैश फेल्सपर है, पोटैश मीका है, क्रायोलाइट है, एलोनाइट है, बॉक्साइट है, डियास्पोर है एंड कोरंडम है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा हमें मिलता है अर्थ में। आफ्टर दैट वी हैव इस के एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, किस तरह से बॉक्साइट से हम हासिल कर सकते हैं, और जो प्योरीफिकेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो उसको ज़्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो दो स्टेप्स मौजूद है, दैट इज प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, और उसके अंदर क्या होता है कि बॉक्साइट और को ग्राइंड किया जाता है, क्रश किया जाता है, एंड देन उसको कॉस्टिक सोडा के साथ, कंसनट्रेटेड कॉक्सिक सोडा के साथ उसको हीट किया जाता है, फिर हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, एंड देन उसको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है वो इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि उसको बिजली से गुजारा जाता है, जिससे फिर हमें एल्यूमिनियम आयंस मिलते हैं जो कि कैथोड में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 9 का पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय, और फिर हमें कॉपर के फिर एलॉयज के कंपोजिशन बताने हैं, क्यों किस चीज़ के बने हुए हैं, एंड देन एप्लीकेशंस भी बताने हैं। सो एलॉय बेसिकली क्या होता है, जब हम मेटल को किसी और नॉन मेटल के साथ या किसी और मेटल के साथ हम जब उसको एडिशन करते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमें कोई क्वालिटी हमें जो हमें चाहिए वो मिल सके, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें आयरन है, आयरन के ऊपर क्या होता है कि उसको आसानी से जंग लग जाता है, तो इस प्रॉपर्टी की को हम जान छुड़वाने के लिए, ताकि जंग आसानी से ना लगे, हम अक्सर उसको डिफरेंट मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें से हमें ये प्रॉपर्टी हमें ये निकल जाती है, यानी कि फिर ऐसा हमें एलॉय मिल जाता है, ऐसा मिक्सचर मिल जाता है जिससे उसमें आसानी से जंग नहीं लगता। सेम एल्यूमिनियम बहुत भारी होता है बट ड्यूरेबल होता है, तो उसको हम डिफरेंट मेटल के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो उसका जो डेंसिटी होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिर वो जो एलॉय होता है ड्यूरेबिलियम, वो हम लोग फिर एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं। तो यानी डिफरेंट डिजायरेबल क्वालिटीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को डिफरेंट मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ मिक्सचर तैयार करते हैं, ताकि हमें वो क्वालिटी मिल सके, तो उन मिक्सचर को हम लोग एलॉयज कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर के एलॉयज को पूछा गया है, कॉपर का जो एलॉय ब्रॉन्ज है वो जो थर्ड पोजीशन मेडल्स बनते हैं लाइक ओलंपिक्स गेम्स में, तो वो ब्रॉन्ज से बनते हैं, और इसमें 90-95% कॉपर का इस्तेमाल होता है, 50-10% जो है टिन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रास। ब्रास जो है वो स्कूल के जो बेल्स बनते हैं वो ज़्यादातर ब्रास से बनते हैं। इसके अलावा जो स्टैचूज वगैरह होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं वो भी ब्रास से बनते हैं।
इसके अंदर 60-80% कॉपर होता है एंड 20-40% जिंक होता है. निक्रोम जो है वो ज्यादातर जो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट होता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो निक्रोम चमकता है जिसके वजह से हमें रोशनी मिलती है बल्ब के थ्रू. तो वो जो है फिलामेंट जो होता है वो निक्रोम का बना हुआ होता है और इसके अंदर 60% निकल होता है, 25% आयरन है एंड 15% क्रोमियम है. And then we have 9B, what is nichrome? Nichrome is an alloy that contains 60% nickel, 25% iron and 50% chromium. अगर आप चाहें तो जो ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे uses बताए हुए हैं वो भी आप include कर सकते हैं. And then 9C, कि copper metal की क्या characteristics हैं, तो जो copper है वो ductile metal है यानी कि उसको आसानी से हम लोग इसमें से wire तैयार कर सकते हैं. जो soft होता है malleable होते हैं उसको आसानी से हम लोग उसको मोड़ सकते हैं. और ये heat और electricity का जो है ये कंडक्टर होता है और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज होता है. यानी अक्सर अगर कॉपर वायर देखा हो कभी इसका इंसुलेटर निकाल के तो आपको रेडिश आयरन ऑरेंज कलर का आपको एक मेटलिक वायर नजर आएगा जो मोस्टली कॉपर का बना हुआ होता है जो अच्छी क्वालिटीज के होते हैं. एंड देन वी हैव व्हाट आर थ्री कॉमन स्टेनलेस स्टील्स एंड द कंपोजिशन. स्टेनलेस स्टील्स जो होते हैं वो हमें तीन डिफरेंट कंपोजिशंस के मिलते हैं जिसमें 13% क्रोमियम एंड 0.1% टू 4% निकल का हमें कंपोजिशन मिलता है. सेकंड 17% क्रोमियम विद 2% निकल एंड 18% क्रोमियम विद 6% निकल. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे स्टेनलेस स्टील हैं जो अक्सर आप लोगों के किचन के अंदर डिफरेंट सामान में मिल रहे होते हैं. और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 मेटल्स एंड द एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है. खुदा हाफिज़.